चुके हैं एमर जी में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ फोन में अजीत सर है। तो दोस्तों हम घूमते घूमते आ गए, काफ़ी दिक्कत हो गई आने में क्योंकि लास्ट में थोड़ा, तो अभी पूरे डिटेल हम आपको बताएंगे और अपने बारे में थोड़ा बताएंगे सर कि कैसे स्ट्रगल किया, सब कुछ दिखाएंगे। और हमारे साथ में आप देख सकते हो ये दोनों राज भाई, राज भाई है, और ये मेरा मैनेजर है, और खाने पीने से लेकर सब फैक्ट्री है संभाल के बहुत बढ़िया काम किया है 7 साल से। कंपनी में 9 बार आता हूँ, वो भी 2 घंटे के लिए आता हूँ। ये भैया है देखने से मेरा मास्टर है अपने तरफ का। तो अभी बताएंगे थोड़ी देर में अपने स्ट्रगल के बारे में, और आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। इसको जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम अजीत सर की कंपनी में आ गए हैं, और अभी हम बैठे हैं, ये अजीत सर का ऑफिस है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अजीत सर बैठे हैं, और हमारे साथ है दिलीप गामित और देख सकते हैं राज गामित, ये दोनों बिग यूट्यूबर हैं। और अभी जो कंपनी में है, मेरे कंपनी में हम गए थे सारवर में, वो बैंक के पास गए थे, लेकिन जैसे कि राज भाई वो वहाँ से आए थे, हम गाँवपुर में थे। राज भाई खुद ही बता दो, हम वहाँ पे गए थे लेकिन सर वहाँ पे नहीं थे, तो हमें मिलना था, इसलिए हम यहाँ पे ढूंढते ढूंढते आ गए, अचानक आ गए। जैसे हमने सर पे कॉल किया तो सर बोले कि जो हमारी कंपनी है, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट कंपनी है, तो वहाँ पर आ गए, और हमने सोचा कि चलो आज देख लेते हैं क्या है कंपनी में, और थोड़ा इंटरव्यू भी कर देते हैं, क्योंकि सभी को रहता है वो स्ट्रगल जानने के लिए, आप लोगों को भी बता देते हैं ऐसा लगा, इसलिए चलो निकलते हैं, क्योंकि सर की इतना बड़ा नाम है। तो आज हम पूरा उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। हाँ, इंटरव्यू पूरा आपका लेंगे। सभी दोस्तों को हम बताना चाहते हैं कि सर ने कैसा स्ट्रगल किया है लाइफ में, तो सबसे पहले बताएंगे हमारे दिनेश भाई, वो सवाल पूछेंगे, भाजी भाई से हम सवाल पूछेंगे। भाई तो एक बात बताना चाहूँगा, हमें बहुत ही गर्व हो रहा है, अजीत सर है ये आदिवासी है, यानी हमारे समाज के हैं, तो बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है आज हमें यहाँ पर अजीत सर को देख के, और इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने की आप समझ सकते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं पैसे की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो स्ट्रगल किया है वो आज हम अजीत सर से पूछेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऑफिस में, मेरे कंपनी में आने के लिए सर दिलीप भाई और राज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और रमेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आने में दिक्कत होगा उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ, ताकि हमारा पहले ही अपना तय नहीं था, आप अचानक आ गए, इसलिए आपको दिक्कत हो गया, नहीं तो मेरा आदमी आपको बड़ा काम लेने के लिए आ जाता, ठीक है। और क्या पूछना चाहते हैं बताओ, ज्यादा डीप में मत पूछो ताकि मेरे को याद नहीं रहता। तो मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूँगा आपसे, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितना स्ट्रगल किया, और किस तरह से यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं? अभी स्ट्रगल किया नहीं, स्ट्रगल जारी है, स्ट्रगल जारी है, और ऐसा लगता है कि यहाँ जब भी मैं कहीं मेरे को कोई भी कंपनी के अंदर में मेरी कंपनी में जाता हूँ, मेरा खुद को यकीन नहीं आता है मेरा है या नहीं, यहाँ पे मैनेजर का काम कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा स्ट्रगल किया है, 27 साल लग गया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हैं। लोगों का सपना होता है कि यार इसका ये नसीब बन है, ये वो है वो नहीं है, तो लोगों को दिखना चाहिए इसका स्ट्रगल, दिखना चाहिए उसका मेहनत, दिखना चाहिए आज तक का है ना अपना ट्रैक रिकॉर्ड, दिखना चाहिए उसमें बहुत थोड़ा उतर आता रहता है, और खास करके जीरो में से आदमी निकलता है तो उसके लिए उसको बहुत सारे प्रॉब्लम से क्रिएट होता है, उसमें निकलना पड़ता है। तो वैसे ही मेरे साथ में भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, बहुत अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो हम बताना चाहते हैं कि अगर हम जीरो में से निकल सकते हैं तो थोड़े अच्छे कंडीशन वाले लड़के युवा हमारे समाज के आदिवासी समाज के कोशिश करेंगे कि जरूर सक्सेस होंगे। तो ये मोटिवेशनल की बात है, जैसे कि इन्होंने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो हमारे आदिवासी जो युवा है अच्छे पढ़े लिखे हैं वो क्यों नहीं पहुँच सकते हैं, इस तरह से अजीत सर का कहना है, ये बहुत ही बड़ी बात कह दी है अजीत सर ने। और आपका काफ़ी नाम सुना है मैंने नंदुरबार जिले में और पाटिल जिले में,
और काफी सेवा भी कर रहे हैं आप, इस तरह से सुना है और काफी नाम निकल रहा है आपका। जो भी बंदे या जो भी मेरे माँ बाप हैं, जो भी मेरे मुझे चाहने वाले और मेरे को लाइक करने वाले, तो बहुत मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे पास में कोई हॉस्पिटल या कोई बच्चों का एडमिशन या कोई भी काम के लिए लोग आते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ दरवाजा खुला रखते हैं। हमारे जो जितना हेल्प होता है वो हम हेल्प करते हैं। किसी का ऑपरेशन है या किसी का हॉस्पिटल का बिल है या कुछ भी है, थोड़ा थोड़ा हम और अजीत सर, मैंने सुना है आपका आनंद आश्रम भी है नगर के आसपास। आनंद आश्रम मैंने गए साल में एक दूसरा बंदा चलाता था, दूसरा बंदा हम वाइस चेयरमैन थे, तो वो बंदा अभी नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो वो पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाता है। तो पूरी जानकारी आपके पास आ जाएगी। पास में जो 311 अनर्थ पट्टे है नगर जिला हमारा भारत में, वहाँ पे निवारा बाल गृह करके है, आप यूट्यूब किया कोई भी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे 311 अनर्थ पट्टे का आश्रम है, एक साल से लेके 12 साल तक, 12वीं तक पढ़ाई है ना, हम फ्री में कराते हैं। फ्री में सभी अनर्थ बच्चे, हाँ, जिसका माँ बाप ने उसको ही पढ़ाते हैं, जिसका माँ बाप ने उसको है ना, हमारे तरफ से भी हेल्प कर देते हैं। और वहाँ पे है ना, जिसका माँ बाप है उसको हम एडमिशन नहीं देते, हम गवर्नमेंट से परमिशन ऐसा लिया। 311 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं यार, बहुत ही गर्व की बात है कि यार इतने लोगों को ये लोग ये पढ़ा रहे हैं। तो गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत महान काम कर रहे हैं और अपने आदिवासी अजीत सर है, ठीक है। और मुझे काफी गर्व हो रहा है, जैसे कि सर ने बोला अनाथ बच्चों को वो इतनी सारी सेवा दे रही है। ये भी है तो एक मेरा क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरा एक साल का ऐसा तो एक साल का उम्र से मेरी मम्मी भी दौड़ जाती है, ठीक है। मैंने भी ऐसा भी निकाला है, जैसे ही अनाथ बच्चे है अभी जो 83 ईयर के हैं, उनका मैं घर से बाहर निकलने नहीं देता हूँ, क्योंकि लोग पूछते हैं आपके पास क्या है, क्या कहाँ से पैसा देगा ऐसा, मेरे पहले बार बता रहे थे कि मैं मांगता था लोगों से, तो उसको बोला था मैंने, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे साथ में पिताजी है, मेरे को अच्छा ही गाइडेंस चाहिए, और एक दिन मेरे साथ में पिताजी रहेगा तो मैं जरूर अच्छा आदमी बनूंगा। और मैं जेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक मजबूरी से एक मेरे को कभी याद आ गया, खास करके मेरे आदिवासी युवा पीढ़ी है उनको बताना चाहता हूँ। आज सुबह में यूट्यूब के है ना, यूट्यूब पे आप ये बैंड वहाँ, वो बैंड वहाँ, ये बैंड वहाँ, उसके चक्कर में मत पड़ो, ये सिर्फ बैंड रोमांस है, एक चीज ये बैंड चीज है, ये एक रोमांस के लिए है, वो आपको है इंजीनियर या IPS या IAS नहीं बना सकता। आप अच्छी तरह से पढ़ो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, अपना अपना गांव का रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, और आप भी अच्छी स्पोर्ट पे काम करो, ये हमारा मेरे तरफ से है ना, आप लोगों को सजेशन है। और ये बात तो है ना, युवाओं को खराब लगेगी लेकिन जो है वो मैंने बता दिया आप लोगों को, जो समझना है मेरे बारे में समझो, लेकिन जो मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया। और गाइस मैं एक बात बताऊँ आपको कि जैसे अजीत सर ने बताया कि पहले पैसे या कुछ भी मांगो किसी से तो बोलते थे लोग कि कहाँ से दोगे ऐसा, लेकिन इनके पापा तो पूरा मतलब सही गाइडेंस देंगे ये वो करके, तो वो सही रास्ता पकड़ के और सही इतना स्ट्रगल किया उन्होंने लाइफ में कि आप देख सकते हैं कौन सी पोजीशन पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल है कि आप सभी को पता होगा, इसलिए बताना चाहूँगा दोस्तों, इनकी जो कंपनी है और वहाँ पर आपको बताएंगे क्या बन रहा है वो, तो आपकी कंपनी में क्या बन रहा है यहाँ पर? अभी हम ये जो कपड़ा बना रहे हैं, ये कपड़ा बनाना मतलब ये कॉटन से नहीं बनता, कॉटन मतलब ये नहीं है, कपास नहीं होता है। हाँ, कपास नहीं होता। ये कपास का जो दौरा होता है वो नहीं होता है, एक ये पेट्रोलियम चीज होता है जो समुद्र में से निकलता है। रिलायंस कंपनी दाना बनाता है, वो दाने में से एक धागा बनता है, उसका कपड़ा बनता है, तो वो कॉटन का कपड़ा नहीं है, कपासी का कपड़ा नहीं है, लोगों को अभी जानकारी नहीं है कि कपड़ा ही नहीं, वही का ही बनता है ऐसा। आपको हम आगे दिखाएंगे
आपको हम दिखाएंगे। और आपको मैं पूछना चाहूँगा यानी कि आप कौन सी राज्य में से काम करते हैं यहाँ पर? अभी 80% वर्कर है, ये आदिवासी है। आदिवासी हम डिपेंड करते हैं कि मेरे आदिवासी लोग यहाँ पे रोजगार मिले। जी जी जरूर, उनको उनका घर चले वो हम जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 100% यहाँ आदिवासी भरूँ। लेकिन लड़के आते हैं, 4-5 दिन काम करते हैं, चले जाते हैं, इसलिए हम हमारा फैक्ट्री हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि 8-9 करोड़ का ये फैक्ट्री होता है जी। तो बैंक का लोन से लेकर सब चीज़ को हमको देखना पड़ता है, फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते। उसके वजह से 20% अदर कास्ट के लोग भरे हुए हैं अदर कास्ट, और 80% अपने वाले अपने आदिवासी लोग बिहार से यूपी से वहाँ से लोग आए हैं। बिहार से यूपी से लोग आए हैं, 9-9 साल हो गए यहाँ ही है। और एक बात बता दूँ कि अपने जो गाँव वाले लड़के होते हैं ना, वो यार मन लगा के काम नहीं करते, 2-4-10 दिन काम करेंगे और चले जाते हैं। और ये बाहर से आते हैं यूपी बिहार एमपी, वो अच्छे से काम करते हैं और अपने लोग ध्यान नहीं देते यार, ऐसे क्या यार क्या करेंगे हम यार, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ जी, हम पार्टनर की बात है, तब हम ज़्यादा तो 50% अलग अदर कास्ट के करे थे, अभी हम कुछ फैक्ट्री हमारे जी, तो है ना हम अभी आदिवासी को ज़्यादा हमारे समझ को ज़्यादा है ना महत्व दे रहे हैं, और आगे जाके हम 100% कोशिश करेंगे कि उसमें 100% मेरे समाज के लोग आए। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये है नवापुर के बाजू में ये NIDC दोस्तों। अगर आप आना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर नंबर देख सकते हो, हमारे अजीत सर को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये लास्ट में है ना कोटड़ा गांव के बाजू में यहाँ पर ही है, तो आपको वैसे एड्रेस मिल ही जाएगा और नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और मुझे बहुत ही गर्व है हमारे फैक्ट्री सर की, और वैसे जैसे कि आप सभी को बताए हैं अभी 2 बेड ओपन हो रही है वहाँ पर भी, जो हमारे दोस्त है सभी को रोजगार मिल रहा है, यहाँ भी रोजगार मिल रहा है, तो इतना हम बोलना चाहेंगे। और आगे दिखाते हैं आपको क्या होता है, भी दिखाएंगे क्या नहीं होता है। और आप ऐसे ही समाज के आगे वो काम करें, इससे आपको शुभकामनाएं।